दोस्तों, रनिंग करते वक्त आपका जो पैर है वो किस तरह से पड़ना चाहिए जमीन पर? दोस्तों, आपका जो पैर है वो किस तरह से पड़ना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है, उससे आपके स्पीड पर फर्क पड़ेगा या नहीं, आप जब रनिंग करते हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया नहीं, इसके बारे में हम आज अच्छे से जानेंगे। और आपके उसके बाद आपकी जो बॉडी होती है वो किस तरह से रहनी चाहिए, इसे आगे रहनी चाहिए, पीछे रहनी चाहिए, इसके बारे में सही में आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आप गलतियां क्या करते हो। आप रनिंग तो करते हैं, लेकिन दोस्तों आप गलतियां क्या करते हो? आप रनिंग करते हो तो दोस्तों कई बंदे ऐसे दोस्तों टॉप रनिंग करते हैं, ऐसे पूरा टॉप रनिंग करते हैं, और इससे दोस्तों 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे लॉन्ग रनिंग करते हो। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आपके जो काफ्स होता है, जो हैमस्ट्रिंग होता है, वो पूरा भर जाता है, पूरा टाइट होता है। दोस्तों, अभी हम रनिंग करते वक्त क्या गलतियां करते हैं, किस तरह से पैर रखते हैं, इसके बारे में देख रहे हैं। आगे मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि रनिंग करने का सही तरीका क्या है, हमें किस तरह से रनिंग करना चाहिए। आप वीडियो का पूरा देखना। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट गलतियां क्या करते हैं, देखो हम दोस्तों हिल पर रनिंग करते हैं, और पहले हिल रखते हैं और फिर उसके बाद हम आगे दोस्तों पंजा रखते हैं। इस तरह से दोस्तों आप गलती करते हैं। तो ऐसे रनिंग करने से दोस्तों आपकी जो बॉडी है वो दोस्तों पीछे रह जाती है, आपकी बॉडी स्ट्रेट नहीं रहती, और पीछे रहने से दोस्तों आपका जो स्पीड है वो भी ब्रेक डाउन होता है। इसलिए हमें दोस्तों इस तरह से रनिंग करना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो दोस्तों, कई बंदे क्या करते हैं, रनिंग करते वक्त बॉडी को आगे झुका दिए, और इससे क्या होगा, इससे दोस्तों स्पीड तो बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि दोस्तों इससे आपका जो नेह है उस पर लोड आ जाएगा, आपको दोस्तों इससे नेह इंजर हो सकती है। इसलिए दोस्तों यही तरीका भी गलत है, इस तरह से भी आपको रनिंग करना नहीं चाहिए। तो आखिर रनिंग करने का सही तरीका क्या है, तो चलो हम देखते हैं रनिंग हमें किस तरह से करना चाहिए, आखिर रनिंग करने का सही तरीका क्या है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आप स्प्रिंटर हो, आप 100 मीटर से लेकर 400 मीटर तक इवेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको 400 मीटर तक इवेंट करते हो, तो दोस्तों आपको टो रनिंग करना है। आप टो पर रनिंग कर सकते हो, आपको पूरा पैर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ दोस्तों टो पर रनिंग करेंगे। और यहाँ पर देखो दोस्तों, आप रनिंग करते वक्त आपकी जो बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, ज़्यादा आगे भी नहीं और ज़्यादा पीछे नहीं, बिल्कुल दोस्तों आपको स्ट्रेट बॉडी रखनी है, और इससे दोस्तों आपकी जो स्पीड है वो भी ब्रेक नहीं होगी, और आप दोस्तों अच्छे तरह से रनिंग कर सकते हो। अगर आप दोस्तों स्प्रिंटर हो तो दोस्तों आप इस तरह से रनिंग करेंगे। और अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हो, 800 मीटर इवेंट से लेकर ऊपर जो भी दोस्तों इवेंट है, आपका जो भी लॉन्ग इवेंट है, उसमें आप कैसे रनिंग कर सकते हैं, देखो लॉन्ग रनिंग करते वक्त दोस्तों हमारा जो पंजा है उसको पहले नीचे रखना है, और उसके बाद दोस्तों हम हिल रखेंगे, जिसको हम दोस्तों इस रनिंग का दोस्तों हम 4 फुट रनिंग भी कहते हैं। और इसको कैसे किया जाता है देखो, तो रनिंग करने का सही तरीका जान लो। यहाँ पर दोस्तों आपका जो पैर है और आपका जो पंजा है उसका जो आउटसाइड है, यहाँ पर देखो दोस्तों आउटसाइड है, उसको पहले हम जमीन पर रखेंगे, इस तरह से दोस्तों आप पहले रखेंगे, और उसके बाद दोस्तों आप हील पर रखेंगे, इस तरह से दोस्तों आपको पैर को रखना है। रनिंग करते वक्त दोस्तों आपको पंजों का जो आउटसाइड है उसे दोस्तों पहले रखना है, और फिर आपको हील को रखना है, ऐसे आप पूरे पैर पर रनिंग कर सकते हो। आपको जो इनसाइड है, पंजों का इनसाइड है दोस्तों, आपको उस पर रनिंग करना नहीं है। अगर आप अच्छे से देख लो दोस्तों, अगर आप इस तरह से आपका पैर पड़ेगा तो दोस्तों आपका जो अंगूठा है वहाँ पर दोस्तों लोड आ जाएगा। आप सीधे दोस्तों रनिंग करते हुए उस तरह से रनिंग करना है। अगर आप गलत पैर रखते हो तो दोस्तों आप 100% इंजर में जाओगे। अगर आप गलत पैर रखते हो तो दोस्तों आपका जो घुटना दर्द होता है, आपका जो पैर दर्द होता है, ऐसी सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए दोस्तों हमें पहले आउटसाइड को रखना है और फिर हम हील को रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम रनिंग करेंगे, हमें बॉडी स्ट्रेट रखनी है, और हमें पैर रखते वक्त हमें पहले हमारे पंजों को रखना है और फिर हम हील रखेंगे। इस तरह से दोस्तों आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हो।